हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके भारत में कृषि और उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51 प्रतिशत भाग पर कृषि, 4% भाग भूभाग चारागाह और 21% भूमि पर वन है एवं 24% भूमि क्या पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है जिसका बिना उपयोग की है। ठीक है, कृषि राज्य का विषय है, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है जिसमें जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं सूची के प्रविष्टि 14 में आपका मौजूद है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत की थी कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर संवर्दी सूची में लाया जाए। ठीक है, भारत की अंतरिम मंत्रिमंडल ने 1946 में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल ने 1947 में कृषि के पहले जो खाद्य मंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देश के कुल श्रम का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों में अपनी आजीविका चलाता है। 2013-14 में भारत के GDP में कृषि का योगदान 13% था। ठीक है, भारत के खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में 47% का भाग चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। ठीक है, भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, चीन पहला रखता है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है जो कि IR20 चावल से अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ठीक है, कौन सी है, IR20। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, पहला है, और जबकि अगर पर हेक्टेयर बात करेंगे तो पंजाब है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित गेहूं और चावल चावल ही हुए थे, और परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, मैक्सिको और फिलीपींस में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति मतलब अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति मतलब बायोडीजल से संबंधित है, लाल क्रांति मतलब टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति मतलब झींगा मछली से उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मतलब मसालों से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति मतलब फल से, अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना से, गोर क्रांति मतलब आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति मतलब बागवानी से। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करेंगे आपके भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है भारत में, जो कि 1967 से 1968 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 में द्वितीय हरित क्रांति की गई। ठीक है, कब की गई, 1983-84 में। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे, वी कुरियन। ठीक है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू हुआ था, 1986 में हुआ था। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर, जबकि चीन अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% और फॉस्फेटी उर्वरकों का खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटाशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, किशमिश, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। ठीक है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, पहला चाइना है। तंबाकू में भी पहला उत्पादक और उपभोक्ता चाइना है और भारत तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पत्तियों के वंचित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत ने चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की थी। चाय की पत्तियों में कैफिन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर मिलती है, दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का कहवा कहाँ पर मिलता है, अरेबिका होता है। ठीक है, कहवा की अन्य दो किस्में क्या है, रोबस्ता और लेबरिका। मूचा कहवा यमन में उगाई जाती है। ठीक है, यह पता होना चाहिए। मक्का में व्हाइट पर्ट तथा धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, किससे होता है, जस्ता की कमी से। ठीक है, भारत में फूलों की खेती 9% आर्किड से प्राप्त होती है। आर्किड एक रंगीन मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है।
भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एवं लेग्यूमिनस, ठीक है, कबार के बीज गवार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में सेल गैस के निष्कासन के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे कुल खाद्यान्न में देखेंगे, उत्तर प्रदेश, कुल दलहन में मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश, कुल मोटा अनाज में राजस्थान। ठीक है, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, मक्का महाराष्ट्र, चना मध्य प्रदेश, अरहर महाराष्ट्र, मसूर उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटका, कपास महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक में सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में किया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य माना गया है। तुअर और लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ठीक है, कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? USA है। ठीक है, अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय हो जाता है। ठीक है, दलहनी फसलों में के उत्पादन हेतु कोबाल्ट सबसे आवश्यक है। ठीक है, मुख्यतः ऋतुओं के आधार पर देखेंगे, तीन प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और गर्मा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, राई, आलू इत्यादि होते हैं। खरीफ दक्षिण पश्चिम मानसून से तत्काल बाद बोई गई, ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, और ये कब होती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, ये जून जुलाई में बोते हैं और नवंबर दिसंबर में इसको काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें कौन कौन सी फसलें? धान है, गन्ना है, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल है, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ। ठीक है, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान देखेंगे, धान कहाँ पे? भारत और इंडोनेशिया, मक्का मध्य अमेरिका, गेहूँ मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिण अमेरिका, रबड़ दक्षिण अमेरिका, उड़द भारत, मसूर चीन, अमरूद अमेरिका, टमाटर अमेरिका, बाजरा अफ्रीका। ठीक है, जौ चीन, अरहर अफ्रीका, सोयाबीन चीन, मूंग भारत, ज्वार भारत, चाय चीन, कहवा ब्राजील, आलू पेरू, गन्ना भारत। ठीक है, हम प्रमुख कृषि एवं उनसे संबंधित अनुसंधान केंद्रों को देखते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, कपास आपका नागपुर में, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में, गन्ना अनुसंधान के लखनऊ में, आलू शिमला में, चाय जोरहाट में, कॉफी चिकमंगलूर में, रबड़ कोटियाट्टम में, रेशम मैसूर में, जूट बैरकपुर में, तमाकू राजमंदरी में, नारियल कासरगोड़ में, तलहन कानपुर में, तिलहन हैदराबाद में, पूर्व मोस्ट बागवानी संस्थान बेंगलोर में, कृषि मौसम विज्ञान पूना में, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र AIARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। बाद में 1937 में इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। पूसा के स्थान से इसे लोकप्रिय पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICARI की स्थापना 23 मई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो हम देखते हैं भारत में सिंचाई, ठीक है, तीन भागों में इसको मुख्यतः बांटा गया है। पहला बृहद सिंचाई, फिर मध्यम और फिर लघु। ठीक है, बृहद सिंचाई के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, ठीक है, वो होता है सम्मिलित। ठीक है, फिर उसके बाद इस मध्य परियोजना के अंतर्गत परियोजना सम्मिलित की जाती है, जिसके अंतर्गत 2000 से 10000 हेक्टेयर के बीच होती है, ठीक है, योग्य भूमि हो। फिर आता है लघु, जिसके अंतर्गत भी परियोजनाएं शामिल होती है, 2000
से कम कृषि योग्य भूमि हो। ठीक है, वर्तमान में भारत का कुल सिंचित क्षेत्र 37% बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अधीन, 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए। कुएं से हमें 55%, कुएं नलकूप से नहर से 31%, तालाब से 6% और अन्य स्रोतों से 6.6% हमें सिंचाई के साधन प्राप्त है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में है जो कि 21% है और भारत में 20% है। ठीक है, भारत में शुद्ध बोया क्षेत्र 1,13,60,00,000 हेक्टेयर को लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में कुएं नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वप्रथम नलकूप पंप सेट तमिलनाडु में 18% में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में 15.6% दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक संगणता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। ठीक है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के बालाघाट जिले में स्थापित किया गया है। इसमें गुजरात दादर नागर हवेली संयुक्त परियोजना है। दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले के गिरना नदी पर स्थापित है। पंबा सिंचाई योजना केरल के पंबा नदी पर है। टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टेहरी के समीप भागीरथी एवं भिलगंगा, कौन कौन सी? भागीरथी एवं भिलगाना नदी पर स्थापित है। यहाँ की सिंचाई जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई योजना है। ठीक है, सारंग सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नगर किस पे है? गंडक नदी पर जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालीश्वरम। ठीक है, तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालीश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया था। इस प्रोजेक्ट की विशेषता क्या थी? कालीसुरंग लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत 139 MWU अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया। विश्व की सबसे बड़ी टनेल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालीसुरंग विश्व की अकेली एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांव के लिए पानी की जरूरतें पूरी हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया। ठीक है, कितना? 92 मीटर की ऊंचाई से, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगट्टा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई पर कौंड पोछम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, इस परियोजना में सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी उपयोग में लाया गया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। इसके प्रधानमंत्री प्रधान इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री को दी गई। इसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके अध्यक्ष होते उपाध्यक्ष होते हैं, मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबद्ध केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके पदेन होते हैं। ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक भारत का खनिज संसाधनों की बात करते हैं। खनिज सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जिसका कलकत्ता में है। खान ब्यूरो भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका नागपुर में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून में है। खनिज अन्वेषण का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। एल्यूमिनियम लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान एवं भू वैज्ञानिक विभाग करते हैं। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। ठीक है, भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। ठीक है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यक्तिगत ढंग से तेल अन्वेषण उत्पादन के काम 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में सेल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्यान बेसिन में पाए गए हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है, पहला कौन सा है? पेट्रोलियम, जो कि असम के डिगबोई में है। ठीक है, इसमें आपके
भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः आबशारी चट्टानों में पाए जाते हैं। मुख्यतः तेल का उत्पादन सबसे सर्वप्रथम डिगबोई में असम में किया गया। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया। ठीक है, विशेष बिंदु 1973 में बॉम्बे हाई की खोज 1973 में हुई और उससे तेल के उत्पादन की शुरुआत ONGC ने 1976 में की। यह लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंबत की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलायान है। ठीक है, जैसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश के 21 परिष्करण शालाएं यानी तेल शोधक कारखाने कार्य कर रही हैं, जिसमें 17 सार्वजनिक, 3 निजी और 1 संयुक्त क्षेत्र में है। लोहा अयस्क उड़ीसा और अलग अलग आपके क्षेत्रों में मिलते हैं। भारत का जो है उत्पादन में लोहा अयस्क में चौथा स्थान है, पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील का है। कुल संचारक भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम है। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ठीक है, हम देखते हैं खनिज संसाधन। मैंगनीज उड़ीसा में, कोयला आपका झारखंड में सबसे ज्यादा मिलता है, फिर तांबा झारखंड में, बक्साइट जो है आपका उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, अबरक आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सोना आपका कर्नाटका में, हीरा आपका मध्य प्रदेश के मझगवां गांव में, जस्ता आपका राजस्थान में, यूरेनियम आपका झारखंड में, और मैग्नेजाइट उत्तराखंड में, चांदी राजस्थान में, थोरियम राजस्थान में, थोरियम पाइराइट, क्रोमेलाइट आपकी झारखंड एवं उड़ीसा में। ठीक है, टंगस्टन आपकी मिलती है राजस्थान में। उसके बाद सीसा आपका झारखंड राजस्थान में, लिग्नाइट आपका तमिलनाडु और राजस्थान में, टिन आपका छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से ये आपके इम्पोर्टेंट जगहें हैं जहां से ये आपके खनिज संसाधन मिलते हैं। भारत में उद्योगों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत में उद्योगों के बारे में हम लोग आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।